हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए एक नई बहुत सारी अपडेट और भर भर के अपडेट लेके आए हैं। तो अपडेट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा गाना आने वाला है एक दूसरे चैनल पे, जो कि मेरा एक अलग चैनल है जिसमें मैं अपने सॉन्ग्स अपलोड करता हूँ। खुद की कंपोजिंग, खुद का सब कुछ होता है उसमें, कोई कॉपीराइट वगैरह का इशू नहीं होता है। तो जल्दी से आप लोग चैनल को वहाँ जाके विजिट करिए। और बस एक हफ्ते के अंदर गाना आने वाला है और उसमें काफ़ी पुराने, मतलब मेरे कई गाने पड़े हैं। तो आप लोग जाइए उस पर, अपने कमेंट दीजिए और उस चैनल को करिए सब्सक्राइब और भी मेरे ऐसे ही गाने देखने के लिए। तो चैनल का नाम है फनकिस्तान और एक हफ्ते में दूसरा गाना, मतलब नया गाना आने वाला है। ऐसे तो कई गाने पड़े हैं, तो आप लोग जाइए और विजिट करिए और देखिए गाने को। और चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपनी अपडेट। तो यहाँ पर पहली अपडेट निकल के आती है योयो हनी सिंह के बारे में। तो योयो हनी सिंह के बारे में अपडेट ये है कि उनका जो अगला गाना है उई माँ, जो कि नेहा कक्कड़ टोनी कक्कड़ के साथ है, जिसका गाने का नाम है उई माँ, जो कि DMF पे रिलीज होने वाला है। तो ये गाना बहुत जल्द आप लोग को देखने को मिलने वाला है, क्योंकि DMF के मालिक जो हैं अंशुल गर्ग, उन्होंने एक स्टोरी अपने में पोस्ट करी थी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे कि तीन इंडियन स्टार्स जो हैं वो कोलैब करने वाले हैं। आप लोग गेस करिए। तो ये डेफिनेटली पक्का है कि ये हनी सिंह, नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ ही हैं, क्योंकि उनका ही गाना वहाँ रिकॉर्ड हुआ है और वही आने वाला है, वही पेंडिंग है। और इतने टाइम से हनी सिंह के कम से कम 4-5 महीने हो गया है, कोई भी गाना नहीं आया। तो डेफिनेटली ये उई माँ गाने की ही अपडेट है। तो ये गाना आपको लगभग 15 अगस्त या 20 अगस्त के अप्रॉक्स देखने को मिल सकता है, क्योंकि 28 तारीख को एक अभी DMF पे गाना रिलीज़ हुआ है 2 फोन करके। और DMF अपने गाने रिलीज़ करने में ज़्यादा देर लगाती नहीं है, चाहे वो किसी का भी गाना हो। तो मोस्टली चांसेस है कि आपको 15 अगस्त या अप्रॉक्स 20 अगस्त के आसपास गाना देखने को मिल जाएगा, जो कि हनी सिंह का नया गाना होगा उई माँ। बस ये आशा करते हैं कि गाना टिकटॉक वाइब का ना हो। बाकी अगली अपडेट है वो है भी, वो भी हनी सिंह की तरफ से। हनी सिंह का गाना जिंगल बेल वो 100 मिलियन क्रॉस कर चुका है, 100 मिलियन प्लस व्यूज़ उसमें आ चुके हैं। बहुत लोग उसमें कमेंट मार रहे थे कि हनी सिंह ये क्या बना दिया ऐसा वैसा। तो हनी सिंह भाई देखो, एक खुद एक ब्रांड बन चुके हैं और उनको अब किसी लेबल वगैरह की ज़रूरत नहीं, वो खुद में एक लेबल हैं। वो अपने गाने अपने, पहले भी आप उनके देखे तो उनके कई गाने अपने ही चैनल पर पड़े हैं, वो भी सुपर डुपर हिट गए। जो हाय मेरा दिल है वो पता नहीं किसी यशराज ऐसे करके किसी नॉर्मल चैनल पर पड़ा है, वो 100 मिलियन गया है, लेकिन जो लेबल पे गाना है वो 100 मिलियन नहीं गया। तो आप मतलब जान सकते हैं कि हनी सिंह का जो पावर है, जो बूस्ट है, वो कितना ज्यादा है, कि सिर्फ हनी सिंह वो नाम ही काफी है। तो अगली अपडेट निकल के आती है हमारी तरफ जो है करण औजला की। तो करण औजला की न्यू एल्बम एकदम रेडी है, उन्होंने अपनी स्टोरी पे डाला है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि 85% उनकी एल्बम पूरी रेडी है और वो आने वाली है बहुत ही जल्द, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। अगली अपडेट निकल के आती है दिलजीत दोसांझ के बारे में। तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से जितने भी लोगों को वो फॉलो कर रहे थे, उनको सब लोगों को उन्होंने, दिलजीत दोसांझ ने सबको वहाँ से अनफॉलो कर दिया, उनकी फॉलोइंग जीरो हो गई। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, पहले वो कई लोगों को फॉलो कर रहे थे, अब उन्होंने अचानक से सबको अनफॉलो कर दिया। हो सकता है ये कोई ग्लिच हो या कुछ और हो, क्योंकि चलिए आप किसी सेलिब्रिटी को नहीं फॉलो करते हैं, आप अपने जो साथी हैं काम करने वाले हैं उनको तो आप फॉलो करते ही। तो हो सकता हो कोई ग्लिच हो या उन्होंने ऐसा खुद करा हो, अभी इसके बारे में कुछ अपडेट नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा उन्होंने खुद ही करा है जीरो फॉलोइंग। और अगली अपडेट निकल के आती है दिलजीत दोसांझ के बारे में कि उनकी जो एल्बम है नेक्स्ट एल्बम, वो इसी अगस्त में वो एल्बम रिलीज करेंगे अपनी। इतने टाइम से वो बाहर फॉरेन में थे और अपनी एल्बम की तैयारी कर रहे थे। जैसे कि उनकी पहली एल्बम आई थी गोट, वो सुपर डुपर हिट गई है, उसके कई गाने गोट, बॉर्न टू शाइन, नवी नवी यारी, ये सब सुपर डुपर हिट गए, क्लैश। तो अगला जो लॉकडाउन में, जबकि उन्होंने अपनी पूरी एल्बम रिलीज कर दी थी, लॉकडाउन में पूरे वीडियो बना के रिलीज कर रहे थे, फिर भी सुपर डुपर एल्बम हिट गई है। अगली एल्बम उनकी आने वाली है मून चाइल्ड एरा, तो इसी अगस्त उन्होंने ये पोस्ट डाला है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसी अगस्त में वो आने वाली है। तो यहाँ पर हमारी अपडेट होती है खत्म। और आपको ये अपडेट अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को करिए लाइक और चैनल को करिए सब्सक्राइब, और मेरे दूसरे चैनल यानी कि फनकिस्तान में विजिट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।